तो लास्ट क्लास में हमने ये डी डॉम को ज़रा पढ़ा था, तो इसको हम ज़रा ब्रीफली थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं ताकि वार्म अप हो जाए, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए ये चैप्टर। इसमें हमने सबसे पहला जो टॉपिक कवर किया था या सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट जिससे एक्सपोजर मिला था हमें, वो ये था कि भाई एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है जो तमाम का तमाम HTML और CSS जो आप लिखते हैं वो तमाम का तमाम ब्राउज़र को वैसे समझ में नहीं आता, वो तमाम का तमाम जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है और फिर वो ब्राउज़र को समझ आता है। अच्छा, और वो जब जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है तो हमने सबने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं हमने, ठीक है, जो की वैल्यू पेयर होता है ऑब्जेक्ट्स, तो ये उस तरह का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक ख़ास उसका एक अरेंजमेंट है, सही है, उसकी एक ख़ास तरह की अरेंजमेंट है उस ऑब्जेक्ट की, तो उस वो उसको कहते हैं हम डॉम, ठीक है, मॉडल होता है वो कि जो उसी मॉडल पर वो डलेगा। अच्छा, हम जो ये तमाम इससे पहले यूज़ करते हुए आए हैं, गेट एलिमेंट बाई आई डी, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, ये सारे डॉम के मेथड्स हैं, ठीक है जी। हमारा जो डॉम बनता है वो ट्री स्ट्रक्चर होता है, हमारा जो HTML का पेज होता है वो वैसे भी ट्री स्ट्रक्चर होता है कि उसका एक रूट होता है HTML, फिर उसमें दो ब्रांचेज होती हैं हेड और बॉडी, फिर बॉडी के अंदर मजीद ब्रांचेज होती हैं कि जी चार डिव लगे हुए हैं, फिर हर डिव के अंदर दो दो पैराग्राफ हैं, फिर दो दो इमेजेस हैं, तो वो ब्रांचेस की तरह वो चल रहा होता है। उसको यहाँ पे इन्होंने विजुअलाइज करके दिखाया है कि जी कुछ इस तरह से बन सकता है ये अगर इसको विजुअलाइज किया जाए तो, ठीक है, ये थोड़ी सी और बड़ी ट्री है, ये थोड़ी सी छोटी ट्री थी सिंप्लीफाइड, ये थोड़ी सी और बड़ी है, इसमें पैराग्राफ दो हैं। अब हम जो आगे देखने जा रहे हैं कि जी पेरेंट एंड चिल्ड्रन, ये इसका क्या चक्कर है कि जी एक जो डॉम के अंदर मेरे जो एक नॉड है, हमने ये नॉड को भी डिस्कस किया था कि ये नॉड क्या होता है, मिसाल के तौर पे इस ट्री के अंदर हर पार्टिसिपेंट जो है वो एक नॉड की हैसियत रखता है, ठीक है। नॉड अंग्रेजी में जो कोई भी चार पांच चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं तारों के ज़रिए, तो उसको नॉड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई चार कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तारों के ज़रिए, तो हर कंप्यूटर एक नॉड है, जैसे हमारा वाईफाई का नेटवर्क है उससे मेरा लैपटॉप कनेक्ट है, आप सबके फ़ोन कनेक्ट हैं, तो ये सारा नॉड्स हैं एक्चुअली, ठीक है। तो तारों से कोई भी चीज़ जुड़ी होती है उसको हम नॉड कहते हैं, क्योंकि ये वाईफाई के नेटवर्क से जो फ़ोन जुड़ा हुआ है, फ़ोन के अलावा कोई प्रिंटर भी हो सकता है, कोई दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकती है, तो उसको इन जनरल हम नॉड कहते हैं। वैसे फ़ोन भी कहें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो उस नॉड का किसी भी एक नॉड को मैं उठाता हूँ, क्योंकि ट्री स्ट्रक्चर है तो उसका कोई पेरेंट होगा, उससे ऊपर कुछ होगा, उसके नीचे भी कुछ होगा, तो उसका क्या चक्कर है। कैन यू नेम द सेकेंड चाइल्ड ऑफ 44th प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, कह रहे हैं कि आपसे अगर मैं पूछूं कि सेकेंड चाइल्ड यानी जो मंझला बेटा है किसका, 44th प्रेजिडेंट का, यूनाइटेड स्टेट का जो 44वां प्रेजिडेंट था उसका जो मंझला बेटा था सेकेंड चाइल्ड, उसका नाम अगर पूछूँ मैं तो क्या आपको पता होगा, ये कह रहा है, ठीक है। हाँ, हमारे केस में अगर मैं नवाज शरीफ की बेटी का आपसे नाम पूछूं, सबसे बड़ी बेटी का, तो वो क्या आपको पता होगा, बिल्कुल। अच्छा, साशा, इसके केस में साशा नाम है, सही है। हाउ अबाउट द पेरेंट मेल ऑफ 43rd प्रेसिडेंट, दैट्स राइट जॉर्ज, अब कह रहे हैं कि जी वो जो आपके 43rd वाले का अगर मैं पूछूं आपसे, तो वो भी आप बता दिया। वेलकम टू द मोस्ट फंडामेंटल वे ऑफ डिज़ाइनिंग नॉट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, अब ये कह रहा है कि इस तरह का ही कुछ चक्कर है, जो नॉट्स है ना वो इसी तरह का चक्कर है कि हर नॉट के चाइल्ड्स हैं और फिर जो है ना उन चाइल्ड्स के मजीद चाइल्ड्स हैं। यू कैन डेजिग्नेट एनी नॉट ऑफ द डॉम बाई सेइंग द नॉट एक्स चाइल्ड ऑफ अ पर्टिकुलर पेरेंट, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर वापस इस ट्री पर हम आ जाते हैं, ठीक है, मुझे इस डिव का आईडी मालूम है, मुझे इस वाले लाल वाले डिव का मुझे आईडी मालूम है, मेरा कर्सर अगर आपको मूव होता हुआ दिख रहा है प्रोजेक्टर पर, इस डिव को मैंने उठाया और मैंने उसको बोला कि भाई तुम्हारा जो फर्स्ट चाइल्ड है ना मुझे वो ला के दो, या तुम्हारा जो सेकंड चाइल्ड है मुझे वो ला के दो। अच्छा, अभी तो दो ही चाइल्ड है मेरे केस में। अच्छा, मेरे केस में अगर मैं उठाता हूँ इस डिव, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसकी भी रिकॉर्डिंग अपलोडेड है बाई द वे, अगर कोई क्यूरियस हो तो वो देख सकता है, या किसी ने मिस कर दिया हो अगर, जस्ट इन केस। तो अगर मैं इस डिव को उठाता हूँ और मैं उस पर कहता हूँ कि डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम,
है ना, एक तो हम कहते हैं डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, वो पूरे डॉक्यूमेंट में से एक पैराग्राफ के जितने टैग हैं सब उठा के ले आओ. बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस डिव को उठाऊंगा और इस डिव को एक वेरिएबल में डालूंगा पूरे एलिमेंट को, और उस पर मैं डॉट लगा के बोलूंगा गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम. तो मुझे वो एक एरे देगा जिसके अंदर ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ ये दोनों मौजूद होंगे. ठीक है, बट हम आईडी से जब उठाते हैं तो हमेशा सिंगल एलिमेंट आता है, जब टैग नेम से या क्लास नेम से उठाते हैं हमेशा मुझे एरे रिटर्न करता है. ठीक है, एरे में वो जितने भी उसको मिलते हैं वो सब ले आता है. तो मेरे पास ये भी पैराग्राफ होगा, ये भी पैराग्राफ होगा. ठीक है, अब दोनों आ जाएगा मेरे पास. अब दोनों में से मैं इंडेक्स वन को पकड़ूंगा तो पहला, इंडेक्स टू को पकड़ूंगा तो दूसरा. हाँ, इंडेक्स जीरो का मतलब पहला इंडेक्स, और इंडेक्स वन को पकड़ूंगा तो दूसरा इंडेक्स, वो मुझे पता चल जाएगा. अच्छा, इसी काम को करने का एक दूसरा तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है कि जी आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे इस डिव को उठाया आपने, मिसाल के तौर पर आपको सेकेंड चाइल्ड चाहिए इसका, यानी कि सेकेंड जो भी है, हो सकता है इसके आगे भी और हो लेकिन इट डजेंट मैटर, आपको सिर्फ सेकेंड वाला चाहिए. तो आप इस डिव को पकड़ेंगे, आपको इस डिव की आईडी पता है, आपने इसको पकड़ा, आप बोलेंगे कि यार आपका जो भी सेकंड चाइल्ड है वो आप मुझे ला के दे दो. तो आपको ये सिर्फ ये वाला पैराग्राफ ला कर देगा. इंटरनली करेगा तो वही ऑब्वियसली है, प्रोग्रामिंग कुछ जुगाड़ लगाएगा, लेकिन आपको ये ला के दे देगा क्लीन एंड क्लियर. अच्छा, अब इसका बेनिफिट कहाँ पर होगा और हम इसको क्यों यूज़ कर सकेंगे वो हम अभी आगे देखते हैं. अच्छा, तो ये वाली बात अब समझ आ गई आपको कि जी यू कैन डेजिग्नेट एनी नॉड ऑफ डॉम बाई सेइंग द नॉड इज द एक्स चाइल्ड ऑफ अ पर्टिकुलर पेरेंट. कि आपने बोला कि फिफ्थ चाइल्ड मुझे ला के दो या थर्ड चाइल्ड मुझे ला के दो, तो वो आपको ला के दे देगा. यू कैन ऑल्सो डेजिग्नेट अ नॉड बाई सेइंग इट्स द पेरेंट ऑफ एनी चाइल्ड. टेक अ लुक आउट ऑफ द सिंप्लीफाइड. अच्छा, अब ये इसने दूसरी बात क्या की है, दूसरी बात इसने ये की है कि जी अगर आपके पास ये पैराग्राफ मौजूद है, ये वाला जो आपने फिफ्थ चाइल्ड करके या सेकंड चाइल्ड करके उठा लिया था, अब इस पैराग्राफ का कोई भी पेरेंट हो सकता है. अब ये पैराग्राफ आपने उठा लिया, इसका पेरेंट अगर कभी भी आपने गेट करना है तो आप बोलेंगे कि यार अपना पेरेंट मुझे ला के दो डॉट पेरेंट, तो वो आपको पेरेंट दे देगा. अच्छा, तो इससे पता क्या चला मुझे कि अगर मैं इस पैराग्राफ के अंदर मौजूद हूँ तो डॉट पेरेंट में मुझे डिव मिलेगा, डॉट पेरेंट में मुझे बॉडी मिल जाएगी. तो किसी भी नॉड का चाइल्ड मैं उठा सकता हूँ, किसी भी नॉड का पेरेंट मैं उठा सकता हूँ. अच्छा, पेरेंट तो हमेशा एक होगा. इसकी यार ख़त्म हो गई बैटरी, मेरा बैटरी पकड़ लो यार. तो पेरेंट तो हमेशा एक होगा, तो पेरेंट में ये बताने नहीं पड़ेगा कि भाई एंथ वाला केस नहीं होगा. अच्छा, लेकिन जो चाइल्ड है वो ज़ाहिर है एक से ज़्यादा है, तो उसमें मुझे बताना पड़ रहा है कि एंथ चाइल्ड, कि सेकंड चाइल्ड या थर्ड चाइल्ड, ये मुझे उसमें बताना पड़ रहा है. अच्छा, तो ये दोनों इसने बात कर दी. अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जी टेक अ लुक एट द सिंप्लीफाइड HTML डॉक्यूमेंट फ्रॉम लास्ट चैप्टर. अच्छा, हाँ वेट कर लेते हैं थोड़ा सा. हाँ, वो वाला कर दो, कर दो. देखो प्रोजेक्टर नहीं बनते. फैन वैन सही चल रहे हैं उधर, मसला तो नहीं है कोई? फैन चल रहे हैं बिल्कुल, कोने वाले फैन अगर चल रहे हैं तो वो चल रहे हैं. देखो उधर वो भी चल रहे हैं. नहीं, बिल्कुल कोने वाले की जरूरत नहीं है शायद. है थैंक यू यार. अच्छा, अब ये जो है ना, इसने एक HTML का कोड यहाँ पे लाके रखा है. ये कह रहा है कि ये पिछले चैप्टर का है, जो अभी मैं पीछे जा रहा था ना, पिछले चैप्टर में जा रहा था, तो ये वही वाला कोड है. अब इस कोड में देखो ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है. एक्सेप्ट फॉर द डॉक्यूमेंट नॉट. डॉक्यूमेंट नॉट का मतलब क्या है? देखो, एक तो बॉडी है, बॉडी के ऊपर होता है HTML का एलिमेंट, HTML के भी एलिमेंट के ऊपर होता है डॉक्यूमेंट. ठीक है, जो हम कहते हैं ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, इसका मतलब होता है ये HTML का पूरा पेज. ठीक है, अच्छा, और डॉक्यूमेंट के भी ऊपर क्या होता है? विंडो. सही है, तो हम अगर उसको हम इस तरह लिखना चाहें ना कि विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं.
ठीक है, तो विंडो है टॉप पे सबसे, उसके बाद डॉक्यूमेंट है। तो इसने कहा है कि भाई एक्सेप्ट फॉर द डॉक्यूमेंट नॉड, ईच नॉड इज इनक्लोज्ड विद इन अनदर नॉड अकॉर्डिंग टू द, ये जो कोड सामने दिखा रहा है इसकी बात कर रही है। वैसे तो डॉक्यूमेंट से ऊपर भी एक नॉड होता है, दैट इज कॉल्ड विंडो नॉड, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट को छोड़ के ना, ये जो डॉक्यूमेंट है सबसे टॉप पे है, इसके अलावा तमाम के तमाम दूसरे एलिमेंट का ना कोई पेरेंट है। अच्छा, आगे इसने क्या बात की, द हेड द बॉडी नॉड आर इनक्लोज विद इन द एच टी एम एल, डिव नॉड इज इनक्लोज इन बॉडी और टू पैराग्राफ आर इनक्लोज इन द डिव। When a knot is enclosed within another knot, we say that the enclosed knot is a child. जब एक एलिमेंट के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट होता है तो हम कहते हैं ये अंदर जो है ये चाइल्ड है, ये बाहर जो है ये पेरेंट है इसका। अच्छा, सो फॉर एग्जाम्पल द डिव नॉट इज द चाइल्ड ऑफ बॉडी, क्योंकि डिव जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद है, तो डिव जो है वो चाइल्ड है, बॉडी उसका पेरेंट है। अच्छा, तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे देखें, ये उसी तरह से दोबारा इन्होंने ना, क्योंकि पिछले ही चैप्टर वाला कोड ये दोबारा चला रहा है, तो वो ट्री बिल्कुल आप देख रहे हैं फेमिलियर है, जो पिछले वाले चैप्टर में ट्री बनाई थी वही इसमें भी बनाई है। लेकिन इसमें एडिशनल कुछ इन्होंने लेबलिंग की हुई है कि जी आप देखें डॉक्यूमेंट जो है ना वो पेरेंट है, और दिस एच टी एम एल इस पर इन्होंने लिखा है कि जी चाइल्ड ऑफ डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट का चाइल्ड है। और फिर ये हेड के ऊपर लिखा है ना कि भाई फर्स्ट चाइल्ड ऑफ एच टी एम एल है, ये सेकंड चाइल्ड ऑफ एचटीएमएल है, ऐसे करके सब पे इन्होंने लेबल कर दिया है कि जी फर्स्ट चाइल्ड ऑफ डिव सेकंड चाइल्ड ऑफ डिव, ऐसे करके इन्होंने बता दिया। अच्छा, अब ये समझ लें कि ये चाइल्ड अगर मुझे गेट करना पड़ रहा है अगर, तो इसमें कहाँ कहाँ पे ये काम आ सकता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई एक लिस्ट है। अच्छा, एचटीएमएल ना आमतौर पर जो अभी तक हम लिखते हुए आए हैं, आमतौर पर एचटीएमएल इस तरह से प्री डिफाइंड नहीं होता कभी भी, ठीक है। एच टी एम एल आमतौर पर क्या होता है कि जी डेटा बेस से डेटा उठ के आता है और उसको हम डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। इस क्लास में हमने एक वेदर ऐप बनाई थी, तो उसमें जिन लोगों ने वो वेदर ऐप बनाई है उनको आइडिया हो गया होगा कि जी वो वेदर का जो हम API कॉल करते हैं इंटरनेट से, वो डेटा उठ के आता है, या वो मेरे सर्वर से डेटा उठ के आता है, या वो मेरे डेटा बेस से उठ के आ रहा होता है। तो कहीं ना कहीं से डेटा उठ कर आता है, एक लिस्ट आती है मिसाल के तौर पर, मैं एक कोई मैं एक लिस्ट अपने डेटाबेस से मंगवाता हूँ कि जी वो स्टूडेंट जिनका टेस्ट में जो है वो 70 से अबव स्कोर आया है, तो उनके नाम लेकर आ जाओ। अब वो कभी हो सकता है 4 नाम आए, कभी हो सकता है 400 नाम आ जाए, तो मुझे नहीं पता होता कि ये कितने नाम आएंगे। अच्छा, मैं उसको ला के जो है ना वो डिस्प्ले कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को 3 अलग अलग कलर देना है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को 3 अलग अलग कलर देना है, उसके बाद वाले को। यार ये क्या हो रहा है, ये बंद हो गया दोबारा से। यार उनसे ज़रा कहो, वो जो तार वाला वो लंबे डंडे वाला माइक है ना, वो अगर है तो यार वो ज़रा बोलो ला दें, या उनको बोलो कोई दूसरा अल्टरनेटिव माइक दे दें, ये बैटरी इसकी जो ना चार्ज नहीं हो पाई है सही शायद। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जी वो अगर मुझे फर्स्ट सेकंड और थर्ड चाइल्ड को ना अगर कोई अलग अलग कलर देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं उसका पेरेंट पकड़ूँगा और मैं बोलूँगा सारे चाइल्ड मुझे उठा के दो एरे में, और उठा के उसको पहले दूसरे इंडेक्स को मैं चेंज करूँगा, या मैं उसको nth चाइल्ड करके उठा लूँगा। दोनों तरीके मौजूद हैं, और nth चाइल्ड करके मैं बोलूँगा फर्स्ट को उठाओ डॉट स्टाइल डॉट कलर रेड, सेकेंड को उठाओ डॉट स्टाइल डॉट कलर ये, थर्ड को उठाओ ये कर दो। अच्छा, अगर मुझे लास्ट वाले यानी लास्ट से पहले चाइल्ड को अगर मुझे देना है, तो भी मुझे nth करके वो मिल जाता है कि लास्ट से मुझे पहला चाइल्ड चाहिए या सेकंड चाइल्ड चाहिए। अभी वो हम उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, जैसा कि इन्होंने जो दी डॉम वाला जो चैप्टर है जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, उसमें इन्होंने ज़िक्र किया था कि जी आप ना डॉम के मेथड्स के ज़रिए ना सिर्फ आप जो ऑलरेडी मौजूद नॉड हैं, ना सिर्फ आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, बल्कि आप। अच्छा चलो, कोई मसला नहीं।
तो ना सिर्फ बने हुए एग्जिस्टिंग एलिमेंट को आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि गेट एलिमेंट बाई आई डी, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, ये बने हुए एलिमेंट होते हैं जिनको आप गेट कर रहे होते हैं। तो इन्होंने कहा था कि जी आप ना नए एलिमेंट बना भी सकते हैं, ठीक है, डॉम के जो मेथड्स हैं उसके ज़रिए आप नए एलिमेंट बना भी सकते हैं, और कोई बना हुआ एलिमेंट पहले से हो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। डॉम से डिलीट करेंगे वो स्क्रीन से गायब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो फाइंडिंग चाइल्ड वाला जो चैप्टर है, ये इसके अंदर जो बात हो रही है ये हम पहले से कवर कर चुके हैं, हम पहले से सब लोग ये देख चुके हैं। मिसाल के तौर पर इसमें इन्होंने बोला है कि जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, ये सब लोगों ने यूज़ किया हुआ होगा आई एम श्योर। इससे हम किसी भी एलिमेंट को पिन पॉइंट करके उठा सकते हैं, क्योंकि ये डॉम का मेथड है इसलिए यहाँ पे इसका स्पेशली दोबारा से जिक्र हुआ है। वैसे ये बुक में पहले भी ये कई दफ़ा जगह पे जिक्र हो चुका है। अच्छा, इसी तरीके से गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम जो है वो क्या करता है, वो एरे रिटर्न करता है आपको, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला डॉक्यूमेंट में से गेट करो पैराग्राफ के नाम के जितने भी एलिमेंट है वो गेट करो, तो फिर क्या होगा कि जी डॉक्यूमेंट में अगर पैराग्राफ का एलिमेंट कोई हुआ तो वो मिल जाएगा, एरे में मिलेगा। लेकिन अच्छा, अगर कोई नहीं हुआ तब भी मुझे एरे ही मिलेगा, लेकिन वो एम्प्टी एरे होगा। मिसाल के तौर पे पूरे डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ के नाम का कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा, स्टिल एरे मिलेगा लेकिन वो एम्प्टी होगा। अगर एक हुआ तो एक मिल जाएगा, दो हुआ तो दो मिल जाएगा, 2000 हुए तो पूरे मिल जाएंगे 2000। अच्छा, जहाँ जहाँ होगा वो सब मिल जाएगा, कि बॉडी में डायरेक्ट हो या किसी डिव के अंदर हो या किसी और पैराग्राफ के अंदर, पैरा इस तरह का कहीं भी होगा ना ये पैराग्राफ का एलिमेंट, वो सारा उठा के ले आएगा। अच्छा, अब ये कह रहा है कि जी जब आपको मिलेगा ना एक से ज़्यादा एलिमेंट एक साथ एरे में, तो आप उसको गेट कैसे करोगे, आप करोगे ऐसे, पैराग्राफ का इंडेक्स 2 या पैराग्राफ का इंडेक्स 0। अब जाहिर है अगर मुझे 6 पैराग्राफ मिल गए तो मैं 0, 1, 2, 3 वो एरे है पूरा, तो ऐसे करके मैं, तो मैं डायरेक्ट पैराग्राफ डॉट इनर एचटीएमएल नहीं करूँगा, अब मैं बोलूँगा पैराग्राफ का इंडेक्स 0.inner html, क्योंकि मुझे 6 पैराग्राफ मिले हैं एरे की सूरत में। अच्छा, जब हम आईडी से उठाते हैं तो ऐसा नहीं होता, आईडी में एक एलिमेंट मिलता है या तो अनडिफाइन मिलता है, सही है, एरे नहीं मिलता हमें, तो उसमें हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे ना वो वाली बात दोबारा की है कि जी डॉक्यूमेंट पे तो डॉट लगा के आप कर सकते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, किसी एलिमेंट पे भी डॉट लगा के आप गेट एलिमेंट बाय आईडी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 200 पैराग्राफ हैं पूरे पेज में आपके, लेकिन आप ये चाहते हैं कि जी वो जो फला सेक्शन फला डिव में जितने पैराग्राफ हैं ना उसमें से सारे चाहिए मुझे, सही है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जी तमाम स्टूडेंट की लिस्ट एक डेटाबेस से आई थी और वो रेंडर हुई है डायनामिकली, लूप चला के उसको रेंडर किया गया है इनर एचटीएमएल करके, तो वो अब मैं जाहिर है हर लिस्ट एक LI है ना, LI का आइटम है। अच्छा, लेकिन LI जो वो नेविगेशन बार में भी है ना, नेविगेशन बार भी जो UL और LI से बनाते हैं आमतौर पर, जो स्टैंडर्ड है तरीका। तो अब मैं अगर बोलूँगा ना कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और यहाँ पर लिखूँगा मैं LI लिस्ट आइटम, तो मुझे वो ये वाले तो स्टूडेंट की लिस्ट ला के देगा, लेकिन वो नेविगेशन बार में भी जो LI है ना सारे, वो भी सारे ले आएगा, तो ये तो मसला है। तो इन्होंने कहा जी आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप क्या करेंगे, उसका जो भी पेरेंट है पहले आप उसको उठाएंगे और उस पेरेंट के ऊपर आप बोलेंगे कि गेट एलिमेंट बाई टैग नेम और यहाँ पर लिखेंगे आप LI, तो उस डिव के अंदर मौजूद LI सारे उठा के लेकर आएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप डॉक्यूमेंट डॉट करके ही लगाएं, आप किसी एलिमेंट पर डॉट करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये दोबारा से रिवाइज हो गया थोड़ा सा। ठीक है जी, यहाँ पे वो सेम चीज़ इन्होंने दोबारा से रिपीट की है कि जी गेट एलिमेंट बाई आईडी करके आपने उठाया और उसके अंदर दोबारा आपने ना गेट एलिमेंट बाई टैग नेम कर दिया। तो बताने का मकसद इनके ये है कि गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, ये सब में ये चीज़ पॉसिबल है कि किसी एलिमेंट पे भी डॉट लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप एक आपको ना ये अब नया तरीका बता रहा है। नाउ आई विल शो यू अ न्यू वे टू टारगेट द पैराग्राफ। अब ये तो हो गया गेट एलिमेंट बाई टैग नेम वगैरह से कर लिया, बाई यूजिंग द डॉम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अच्छा, अब ये डॉम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि जी वो HTML का जो पूरा डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं, तमाम एलिमेंट्स, तमाम टैग्स जो उसके होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो ब्राउज़र को वैसे समझ नहीं आते, वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होते हैं
और जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स हम सब लोगों को पता है। अब ऑब्जेक्ट अगर हमें मिलता है, जैसे हमने लास्ट जो वेदर ऐप बनाई थी उसमें हम एक URL कॉल करते थे, उसके अगेंस्ट सामने से एक बड़ा ऑब्जेक्ट आता था। अब उसमें क्या होता था, ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट लगाते थे लोकेशन, ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट लगाते थे टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट लगाते थे ह्यूमिडिटी, है ना, जो भी वेदर के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं कि आज के दिन का हाई किया, आज के दिन का लो किया, वो सब आता था, ठीक है। या उसके अलावा मैं वैसे ही अगर कोई बना दूँ, मैंने कहा जी लेट स्टूडेंट इक्वल्स टू एन ऑब्जेक्ट, नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, ऐसे चार कीज़ मैंने बना दी। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, उस स्टूडेंट पर डॉट लगा के नेम करूँगा तो मुझे नेम मिल जाएगा, उस स्टूडेंट पर डॉट लगा के क्लास करूँगा तो मुझे क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट में ज़ाहिर है जो कन्वर्ट होता है वो तो एक रूल के तहत होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत होता है, ठीक है। तो वो कैसे ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, ये वो यहाँ पर बात आ रही है। अच्छा, तो ये समझ आ गया कि वो है वो ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट होने का मतलब है डॉट डॉट करके वो गेट होगा। अच्छा, उसके बीच में कहीं एरे भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, नेम, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, और उसके बाद भाई इसके जो है ना फेवरेट कलर्स, वो एक और ऑब्जेक्ट हो सकता है कि जी डे में जो है वो वाइट है और जो है ना इवनिंग में जो है वो कुछ और कलर है, इस तरह करके वो मजीद ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो सकता है। या अगर सब्जेक्ट की भी बात करें हम, या अगर हम उसके इंस्ट्रक्टर्स की बात करें तो वो भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है कि जी स्टूडेंट डॉट इंस्ट्रक्टर डॉट मैथ, कि जी मैथ का इंस्ट्रक्टर, तो वो डॉट 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 लगा के कई नेस्टेड ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अंदर हो सकते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट जब पढ़ा था तो उस वक्त हमने ये बात कवर की थी कि जी नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ जो है ना आपने जहन में रखते हुए उसको देखना है। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नॉड। नॉड हम सबको पता है, वो जो ट्री बना हुआ है ना उसमें हर पार्टिसिपेंट एक नॉड है। इसने कहा डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नॉड, डॉक्यूमेंट के जितने भी चाइल्ड है ना, जीरो। जीरो का मतलब क्या है, पहला चाइल्ड। अच्छा, ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नॉड जीरो से क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट के अंदर HTML एक ही चाइल्ड है, डॉक्यूमेंट जो है उसका एक ही चाइल्ड है, दैट इज़ कॉल्ड HTML। तो मुझे इतना करने से ना मुझे वो HTML मिल गया यहाँ तक। अच्छा, HTML जो मुझे मिला है ना वो इट्सल्फ, वो भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये DOM है मेरा, तो वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, उस HTML के ऊपर डॉट लगा के मुझे इनर HTML भी मिलता है, मुझे डॉट लगा के स्टाइल भी मिलता है, मुझे डॉट लगा के मज़ीद उसके चाइल्ड भी मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने उस पर क्या बोला, डी डॉट चाइल्ड नॉट वन। अब जी HTML का जो टैग है उसके कितने चिल्ड्रन हैं, हेड है, बॉडी है, HTML के दो चाइल्ड हैं आम तौर पे होते हैं, जो स्टैंडर्ड है। वैसे तो आप जो मर्ज़ी बना दो वो, आप हेड ना बनाओ तब भी चल जाता है ना, कोड चल जाता है जब भी आप हेड बॉडी नहीं बनाओ ना, डायरेक्ट आप H1 लिख दो कोड चल जाता है। आजकल के ब्राउज़र स्मार्ट हैं, लेकिन HTML हमें ब्राउज़र्स को फॉलो नहीं करना है, हमें HTML5 का जो स्टैंडर्ड है हमें उसको फॉलो करना है। तो HTML5 का स्टैंडर्ड ये कहता है कि जी HTML का टैग होगा उसके अंदर हेड होगा उसमें बॉडी होगा, और बॉडी के अंदर फिर जो चीज़ आपने लिखनी है वो लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, जीरो होता तो पहला चाइल्ड, वन है तो दूसरा चाइल्ड, तो HTML का सेकेंड चाइल्ड कौन सा है, बॉडी है। तो यहाँ तक ना मुझे बॉडी मिल गई। अब बॉडी के ऊपर इसने मजीद कहा है कि जी चाइल्ड नॉड्स वन। अब बॉडी के अंदर चाइल्ड नॉड वन, बॉडी के अंदर अभी हमें नहीं पता कितने चाइल्ड हैं, वो कोड देखना पड़ेगा अब, है ना, अब कोड देखना पड़ेगा कि जी बॉडी में कितने चाइल्ड हैं। लेकिन बॉडी में जितने भी चाइल्ड थे उसमें से ये सेकंड चाइल्ड को इसने उठाया। तो चलते हैं ज़रा बॉडी में देखते हैं कितने चाइल्ड हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से सिलेक्शन कर लेता हूँ इसकी, ताकि हम भूलें ना कि हम कहाँ तक पहुँच गए थे। कहाँ गया, ये है वो कोड। अच्छा, इसमें तो बॉडी में एक ही चाइल्ड है, वेल तो बॉडी के अंदर कोई भी सेकंड चाइल्ड था, इमेजिन कर लेते हैं हम कि बॉडी में जी दो डिफ थी, तो ये सेकंड वाले डिफ को पकड़ेगा जाके, ठीक है, जो भी चाइल्ड होगा। हो सकता है कि एक पैराग्राफ हो, नीचे दूसरा पैराग्राफ हो, फिर एक इमेज हो, या हो सकता है दो इमेजेस हो, या हो सकता है एक पैराग्राफ हो दूसरा इमेज हो, ठीक है। तो जो भी सेकंड नंबर पे आ रहा होगा, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो डिव हो,
जो भी सेकंड नंबर पे होगा वो पकड़ में आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके अंदर से क्या पकड़ा है इसने और उसका मजीद सेकंड चाइल्ड पकड़ा है। तो इस तरह करके भी किसी एलिमेंट को टारगेट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे गौर से ये चीज़ देखें, इसने ये किया है डॉक्यूमेंट से शुरू किया है ना, इसने कहा डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नॉट करके चला ये। लेकिन मेरे केस में मैंने डेटाबेस से स्टूडेंट की लिस्ट मंगवा के एक डिव में अपेयर करवाई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वो डिव उठाऊँगा, ठीक है। डिव के अंदर अगर मैंने एक लिस्ट अपेयर की है तो सबसे पहले होगा यूएल, मैं उस डिव के अंदर डॉट करके फर्स्ट चाइल्ड उठाऊँगा यूएल, और उसके अंदर डॉट करके ना फिर मेरे पास 100 स्टूडेंट हैं अगर तो वो 100 मौजूद हैं, उसमें से कोई सा भी मैं उठा लूँगा, 0, 1, 2, 3 nth चाइल्ड वाला चक्कर है। हाँ, अब यहाँ तक ये इसने बड़ा अच्छा बात की है इसने, कि यहाँ तक इसने जो भी पकड़ा है ना उसको एक ना वेरिएबल में सेव करवा दिया है, ये आप देखें वेरिएबल में सेव करवा दिया है इसको, और इस वेरिएबल के ऊपर डॉट फिर इनर एचटीएमएल लगाया है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट डॉट 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 ये सारे ऑब्जेक्ट है ना, तो किसी ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल में सेव करवाया जा सकता है। तो ये जो डॉम मुझे पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप पूरा वो एक्सप्लोर करें आप कहाँ तक वो जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, उसको उठा के एक वेरिएबल में पकड़ लिया, ठीक है। तो उसके ऊपर डॉट करके आप लगाएंगे तो भी सेम बात है, फ़र्क नहीं होगा कोई। अब यहाँ पर इसने एक्सप्लेन किया पूरा कि जी वो इस पर क्या मिला तो उस पर क्या मिला, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने इस तरह से डेमॉन्स्ट्रेट किया है कि जी पहले बॉडी पकड़ी, बॉडी में ये पहला चाइल्ड था, ये दूसरा चाइल्ड था, तो दूसरा चाइल्ड पकड़ा, फिर दूसरे चाइल्ड के अंदर दूसरा चाइल्ड पकड़ा, ये उसकी डेमॉन्स्ट्रेशन है कि जी ये था कोड जिसके ऊपर हमने वो चलाया है पूरा। और इस जब ये पकड़ लिया तो इसका इनर एचटीएमएल चेंज मार के दिखाया। अच्छा, यहाँ पे इसने वही वाली बात की कि जी डॉक्यूमेंट पर डॉट लगा के ना आप क्या करो, एक डिव उठा लो, और उस डिव के ऊपर भी आप डॉट चाइल्ड नॉट अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट डॉट डॉट करके वो इतना लंबा आप चलाओ, आपके पास कोई डिव ऑलरेडी मौजूद है उसमें से आपने सेकंड थर्ड चाइल्ड उठाना है, आप ये इस तरीके से उठा लो, सही है। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा जी, यहाँ पे ना चैप्टर 61 में इन्होंने बात की है जंक आर्टिफैक्ट की और नॉड की टाइप्स की बात की है। अच्छा, जैसा कि मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि जी वो वाईफाई का राउटर है, उससे अब 6 मोबाइल कनेक्ट हैं, 4 लैपटॉप कनेक्ट हैं, तो ये सारे नॉड्स हैं। वाईफाई का राउटर ख़ुद भी एक नॉड है, ठीक है, लेकिन हर नॉड की एक टाइप है। जो ये जो लैपटॉप कनेक्ट है ये भी नॉड है, इन जनरल इसको नॉड बोला जा रहा है, लेकिन ये क्या है, ये एक लैपटॉप है, सही है। जैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में वो जो अर्थ फेस की तार घूम रही है सब जगह, अच्छा, तो उसमें जितने भी कनेक्टेड अप्लाइंसेज हैं वो सारे नॉड्स हैं। ये पंखा भी नॉड है, ये लाइट भी नॉड है, लेकिन इसकी टाइप अलग अलग है। तो मेरे पास 4 अगर लैपटॉप कनेक्ट हैं तो 4 नॉड मेरे पास लैपटॉप टाइप के हैं, 6 मोबाइल कनेक्ट हैं तो 6 मोबाइल टाइप के हैं, एक वाईफाई का राउटर खुद है वो एक अलग टाइप है नॉड की, फिर उसमें से एक तार निकल के एक स्विच में गई हुई है, वो एक स्विच एक इटसेल्फ एक नॉड है। अब उस स्विच में से मजीद तार निकल के कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में जाके लगा हुआ है, तो वो सारे अलग नॉड। तो ये हैं सारे नॉड्स, लेकिन हर नॉड की टाइप अलग हो सकती है ना। अच्छा, तो इसमें भी हमारे पास जो ट्री स्ट्रक्चर बना हुआ है डॉम का, इसमें भी जो जितने पार्टिसिपेंट हैं वो हर पार्टिसिपेंट इन जनरल तो उसको एक नॉड कहा जा रहा है, लेकिन उसकी टाइप अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो वो कौन सी टाइप है जी, और ये जंग आर्टिफैक्ट क्या है? It's time to talk about the junk artifact of the DOM. The pesky thing that I have been referring to in the last 3 chapter. Let's revisit the simplified web page. कह रहा जी फिर से वही वेब पेज है, वही कोड है जो पिछले 3 चैप्टरों से चल रहा है, और इसी में वो जंक आर्टिफैक्ट के बारे में बात करेगा। This is how I diagrammed DOM for the page. कह रहे कि ये मैंने बना दिया DOM. ड्रॉ करके बता दिया कि जी डॉम कुछ इस तरह का बनेगा। अच्छा, बट दिस डायग्राम इज वैलिड ओनली फॉर कपल ऑफ ब्राउजर्स। कह रहा कुछ ब्राउजर में ये ट्रू है, ऐसा ही बनेगा,
लेकिन कुछ ब्राउज़र में ऐसा नहीं बनेगा। अब ये क्या बात हो गई यार, ये तो गड़बड़ हो गई। ये तो हम वो पहले वाले, मैंने पहली क्लास में हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट डिस्कस किया था कि जी वो हर ब्राउज़र का अपना जावास्क्रिप्ट होता था, ये तो वो वाली कहानी बता दी इसमें कि जी कुछ ब्राउज़र में ऐसे बनेगा, कुछ में कुछ और बनेगा। तो वो देखते हैं कि जी क्या डिफरेंस है। मोस्ट ब्राउज़र इंटरप्रेट द वाइट स्पेस दैट क्रिएटेड बाई सम कैरियज रिटर्न टैब्स एंड स्पेस यूज टू फॉर्मेट द कोड एज अ टेक्स्ट नोड। कह रहे हैं कि यार आपने क्या किया, पैराग्राफ लिखा एक, अब पैराग्राफ लिखा आपने 6 लाइन का, तो जाहिर है थोड़ा लिखने के बाद आप एंटर करके अगली लाइन में आ जाते हैं कोडिंग के दौरान, ये कोडिंग की बात हो रही है। तो जब आप अगली लाइन में आप आ जाते हैं ना, उसको कहते हैं कैरियज रिटर्न। अच्छा, ये कैरियज रिटर्न की एक टर्म इन्होंने पकड़ी है टाइपराइटर से, सही है। टाइपराइटर देखा है किसी ने? टाइपराइटर में जब वो टाइप करते हैं ना, तो वो पेपर लेफ्ट से ऐसे ये मूव होता जाता है, यूँ है ना। अगर उर्दू टाइप हो रहा है तो इधर, अगर इंग्लिश हो रहा है तो इस तरफ, अगर इंग्लिश टाइप हो रहा है तो राइट से लेफ्ट की जानिब ना, वो पूरा का पूरा पेज यूँ मूव होता है। अच्छा, फिर वो क्या करते हैं, जब वो ख़त्म हो जाता है ना, लास्ट तक लिख लेते हैं, तो ये कोने में आ गया, अब कहाँ लिखेंगे वो। तो अब वो उसका एक नॉब होती है साइड में, उस नॉब को वो हल्का सा घुमाते हैं तो वो ना पेज रोल होके अगली लाइन पे चला जाता है, पेज थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाता है, तो वो जो उसका हेड है जो, वो अगली लाइन पे पहुंच जाता है। अब अगली लाइन पे तो पहुंच गया, फिर उसके बाद उसको उस पूरे पेज को या उस नॉब को धक्का दे के जो है ना दोबारा राइट की तरफ धकेलते थे, तो वो हेड दोबारा क्या हो जाता है, लाइन के शुरू में आ जाता है। तो वो जो इसको ऐसे यूँ वापस लेके जाते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड कैरिज रिटर्न। वो जो कैरिज है ना मेरा, उसको मैं वापस ला रहा हूँ। यही वजह है कि जो एंटर का जो बटन है उसमें, मैकबुक में आप देखेंगे वो रिटर्न लिखते हैं, एप्पल वाले ना उसमें रिटर्न लिखते हैं, वो एंटर नहीं लिखते। विंडोज़ में उसको एंटर कहते हैं, लेकिन उन्होंने भी वो एरो, अब आपको समझ आया, वो एंटर के बटन पे जो एरो और यूं जो बना है वो क्या चक्कर है, वो एरो जो है ना एंटर के बटन का एरो। ये जो एंटर के बटन पे ये बना होता है, ये ऐसे और ऐसे, ये इसका क्या मतलब है, कभी सोचा था किसी ने? भाई मैं तो क्यूरियस हूँ, मुझे जब कोई चीज़ नज़र आती है ना, मुझे समझ नहीं आता जब, तो फिर मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, फिर ढूंढता हूँ उसको। तो भाई आप एक गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि वो धक्का देके ना टाइपराइटर में इधर लाते थे, तो वो अच्छा कीबोर्ड भी, बाई द वे जो हम यूज़ करते हैं ना कंप्यूटर में, जो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर तो बहुत बाद में बना है। ये कीबोर्ड का जो पैटर्न है ना, क्वालिटी कीबोर्ड जो है, ये टाइपराइटर जब आते थे उस ज़माने में किसी ने बनाया था। तो कंप्यूटर जब बने, उन्होंने बोला अच्छा यार इसमें भी टाइपिंग होगी, कीबोर्ड होगा इसमें भी, तो वहाँ से बोरो कर लिया एज इट इज़, बगैर अपना दिमाग लगाए बोरो कर लिया वहाँ से। तो सही है, बस सही है, उन्होंने अच्छे से दिमाग लगा के सोच के डिज़ाइन कर दिया, तो इन्होंने उठा लिया। तो वो ये एंटर और रिटर्न और ये चक्कर है। तो इसने बोला कि यार जब आप करते हो ना कोडिंग के दौरान, जब आप कैरियज रिटर्न करते हो या आप टैब्स लगाते हो, कोडिंग के दौरान जब आप एंटर प्रेस करते हैं या जब आप टैब लगाते हैं, अच्छा टैब क्या चीज़ होती है वो भी समझ लो अब अच्छे से। मेरा वो कहाँ गया, कोड एडिटर, ये रहा, सही है। अब ये जो लगा हुआ है ना, ये टैब है। अब मैं क्या करता हूँ, इस टैब को मैं हटा देता हूँ, सही है, हटा दिया मैंने। अब जब मैं इसको क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट करता हूँ ना इसको, मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये दोबारा ऐड कर देता है, ठीक है। अच्छा, ये जो दोबारा ऐड कर रहा है इस फॉर, जो टैब जो दोबारा ऐड कर रहा है, ये कैसे ऐड हो रहा है, ये कौन ऐड कर रहा है? दोस्त डॉट, हाँ ले ले ले, हाँ। तो ये जो मैं जब इसको फॉर्मेट करता हूँ राइट क्लिक करके, तो ये सारे जो टैब्स हैं ये दोबारा वापस आ जाते हैं। ये मैं इसको हटाता हूँ, ये फिर वापस आ जाते हैं। इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ, ये फिर वापस आ जाते हैं। तो ये कौन कर रहा है? ये मैं कर रहा हूँ ना, फॉर्मेट मैं कर रहा हूँ, तो मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा, तो असल में ये जो मॉडर्न अभी हमारे पास कोड एडिटर्स है ना, इनमें ये आ गया है बिल्ट इन फीचर कि जी आपको ऐसे बटन दबाओ वो हो जाता है। लेकिन जो
इससे पहले जो लैंग्वेजेस होती थी या पहले जो कोड एडिटर होते थे उसमें ये खुद से नहीं होता था, ठीक है, और ना ही उसमें कोई टूल मौजूद था कि ऑटोमेटिक हो जाए। ये अब हमारे पास आ गया है। यानी अगर हम ज़्यादा दूर नहीं सी लैंग्वेज की बात करें, या सी लैंग्वेज से भी पहले और भी होती थी, फॉल्ट्रान था, बेसिक था, पता नहीं और कौन कौन सा था, तो उसमें वो हाथ से करना पड़ता था आपको ना। यानी हर लाइन में ना अगर आपने ऐसे कर दिया इसको यूँ, ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो उस ज़माने में, यानी जब मैं 2012 में या 2011 में जब मैं पढ़ रहा था सी लैंग्वेज, मैंने जो पहली लैंग्वेज मैंने सीखी वो सी लैंग्वेज, तो उसमें भाई बड़ा ज़ोर होता था किसी फॉर्मेटिंग तो करें इसकी आप, जिसको इंडेंट करें आप, इंडेंटेड कोड होना चाहिए, अच्छा रीडेबल कोड होना, इस चीज़ पर बड़ा ज़ोर होता था। अब तो ये चीज़ें सुनने में भी नहीं आती क्योंकि ये चीज़ ऑटोमेटिक होती है। तो वो असल में क्या होता है कि ये मुझे करना पड़ता था ऐसे, लेकिन कर अभी भी मैं ही रहा हूँ। बस वो किसी ने बोला कि अच्छा यार ये हाथ से करते हो बार बार, वो तो एक स्क्रिप्ट बना दी कि जी वो ऐसे ऐसे करके होता है टैब, वो तो आप दो बटन दबाते वो चल जाता है, वो हो जाता है, ठीक है, अदरवाइज़ ये मैं हाथ से करता। अच्छा, ये VS कोड में जो है वो इस तरह से हो रहा है, किसी दूसरे एडिटर में किसी दूसरे तरह से भी हो सकता है। अभी आप इसमें देखें टैब सीक्वेंस जो लगा हुआ है इसमें, वो लगा हुआ है 4 स्पेस टैब सीक्वेंस, ठीक है, 1, 2, 3, 4, हर चाइल्ड अपने पेरेंट से 4 स्पेस इंडेंट हुआ है, ठीक है। इसको मैं 2 स्पेस भी बना सकता हूँ, इसको मैं टैब भी बना सकता हूँ, कई मुख्तलिफ तरह के स्टैंडर्ड हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ नीचे जाऊँ ना, तो आप ये आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 स्पेसेस। इसको मैं चेंज करके ना 4 स्पेस को ये देखें, अलग अलग तरह के यहाँ पे मौजूद हैं, इंडेंट यूजिंग स्पेसेस, इंडेंट यूजिंग टैब्स। मैं स्पेसेस पे क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ यार 1 स्पेस, ओनली 1 स्पेस। अब आप चेक करें क्या हुआ है, ये अभी तक ये 1 स्पेस पे इसने टैब की सेटिंग तो ला दी है, लेकिन मेरा जो अभी तक है ना वो 4 पे ही है। मैं जैसे ही इसको राइट क्लिक करके दोबारा फॉर्मेट मारूंगा ना, वो क्योंकि जो सेटिंग मैंने चेंज की है वो फॉर्मेटर की सेटिंग चेंज की है, ये मैंने चेंज मारा तो ये देखें आप 1 पे आ गया। अब हर पेरेंट अपने चाइल्ड से ना 1 स्पेस पे, ठीक है। अच्छा, ये 4 स्पेस पे बाई डिफ़ॉल्ट क्यों रखते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड है, 2 स्टैंडर्ड है, 4 स्पेस वाले, 2 स्पेस वाले, ठीक है। तो मैं वापस इसको, अच्छा एक टैब भी हो सकता है, ठीक है, टैब वाला भी सीक्वेंस होता है, तो मैंने कहा भाई एक टैब जो है वो आमतौर पे 4 स्पेस के बराबर होता है, सही है, कुछ केसेस में 8 स्पेसेस के बराबर होता है। मैं इसको दोबारा से फॉर्मेट करता हूँ तो ये टैब में चला गया, ठीक है। टैब साइज़, अच्छा टैब साइज़ ये है, टैब साइज़ कि जी एक दफ़ा टैब दबाऊंगा तो कितना आगे जाएगा। MS Word वगैरह में क्या होता है, एक दफ़ा टैब दबाते हैं तो 8 स्पेस तक वो आगे चला जाता है, तो ये टैब का साइज़ मैंने 1 कर दिया है। वेल, दोबारा इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं 4 स्पेस पे ले आता हूँ, क्योंकि मैं आमतौर पे अपनी डेवलपमेंट के दौरान भी 4 स्पेस वाला सेट करता हूँ, और वो कि डिफ़ॉल्ट है इसका VS Code का। अच्छा, तो ये जो स्पेस है ना, ये वाला ज़ाहिर है जब HTML शुरू बनी थी तो ये ऑटोमेटिक ये इंस्पेक्टर ये फॉर्मेटर वगैरह नहीं होते थे। वैसे तो इन्होंने शुरू में कहा था HTML में, HTML की बुक जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त इन्होंने कहा था कि जी जो वाइट स्पेस होता है ना इसको इग्नोर कर देता है HTML। अच्छा, लेकिन वो आपको विजुअली इग्नोर कर देता है, लेकिन डॉम लेवल पे ना वो आपको एग्जिस्ट कर रहा होता है वहाँ पे। वो डॉम लेवल पे क्या होता है, वो एम्प्टी स्पेसेस करके ना वो आपको वो एक नॉट आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं हम अपनी बुक पे। कह रहे कि बट दिस डायग्राम इज ओनली वैलिड फॉर कपल ऑफ ब्राउजर्स, मोस्ट ब्राउजर इंटरप्रेट वाइट स्पेस दैट्स क्रिएटेड बाय सम कैरिज रिटर्न टैब स्पेसेस यूज्ड टू फॉर्मेट द कोड एज अ टेक्स्ट नॉट। वो जो स्पेस हमने डाला है ना अभी इंडेंटेशन के लिए, उसको वो टेक्स्ट नॉट बना देता है, कह रहे कुछ ब्राउजर सारे नहीं। व्हेन यू लुक एट द मार्कअप यू सी 3 टेक्स्ट नॉट्स, ठीक है। हम जब मार्कअप की तरफ देखते हैं तो हमें 3 टेक्स्ट के नॉड नज़र आते हैं, द चिल्ड्रन ऑफ टाइटल है ना, एक तो टाइटल है उसके अंदर एक नॉड है। अच्छा, ये पिछली क्लास में हमने दी डॉम वाले में ये बात हमने समझ ली थी अच्छे से कि एक एलिमेंट एक से ज़्यादा नॉड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। जैसे कि पैराग्राफ का जो एलिमेंट है वो पैराग्राफ का एलिमेंट एक अलग नॉड है, उसके अंदर मौजूद टेक्स्ट एक अलग नॉड है, दो नॉड है। इसी तरह टाइटल जो है, टाइटल का जो एलिमेंट है वो एक अलग नॉड है, टाइटल के एलिमेंट में मौजूद टेक्स्ट जो है वो एक अलग नॉड है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि 3 नॉड आपको नज़र आ रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, एक टाइटल का चाइल्ड है, 2 जो है वो पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट नॉड है, ठीक है, पैराग्राफ एक अलग नॉड है और टेक्स्ट नॉड पैराग्राफ के अंदर है। अच्छा,
ठीक है जी, ये तीन यहाँ पे इसने हाईलाइट कर दी कि ये तीन नज़र आ रहे हैं। फायरफॉक्स सी दिस मार्कअप एज 8 एडिशनल टेक्स्ट नोड्स। फायरफॉक्स में जब आप इसको गेट करेंगे ना डॉट चाइल्ड डॉट चाइल्ड करके, तो आपको 8 एक्स्ट्रा टेक्स्ट नोड नज़र आएंगे। अच्छा कौन सा? नथिंग बट वाइट स्पेसेस क्रिएटेड बाई इंडेंटिंग। ये इसने ना मोज़िला फायरफॉक्स का जो वो खोला है डिवेलपर ऑप्शन, तो वहाँ पे ये एक्स्ट्रा दिख रहा है। दीज एक्स्ट्रा नॉट क्रिएटेड नॉइस क्रिएट नॉइस दैट मेक्स इट हार्ड फॉर योर डॉम रीडिंग कोड टू फाइंड द सिग्नल इन वन ब्राउजर दैट चाइल्ड इज द बॉडी नॉट दिस 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 अनदर ब्राउजर दिस दिस दिस। कह रहे कि जी जब आप नॉट नॉट करके उठाते हैं ना तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है समटाइम। आप बोलेंगे पहला नॉट तो आपको मिलेगा ही नहीं, वो शुरू में स्पेस और आखिर में आप देखें इसको और से अगर, तो जो है ना ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर ये टेक्स्ट है। अब इससे पहले एक टेक्स्ट, इससे बाद में एक टेक्स्ट, क्योंकि इससे आगे और पीछे जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उसकी वजह से। कह रहा है ये प्रॉब्लम हो सकती है। देयर आर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब कह रहा है इसके सॉल्यूशन है बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल। एज वन अप्रोच द मोज़िला डेवलपर नेटवर्क सजेस्ट अ वर्क अराउंड that almost comically desperate but does solve the problem without any extra effort of JavaScript. You format the markup like this. अब ये कह रहा है ये बड़ी मजाहिया बात है कि जी वो HTML शुरू यहाँ से किया और ये एंड ऐसे अगली लाइन में कर रहे हैं और इस तरह करके कर रहे हैं। हाँ तो कह रहा है यार ऐसे कर दो आप, तो कह रहा है बड़ी मजाहिया बात है, हंसी आने वाली बात है, लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अच्छा अभी फिर मैं लास्ट में बताऊंगा कि हम क्या करते हैं। ठीक है, इसने कहा कि जी दिस मार्कअप टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट एनी कैरियज रिटर्न टैब्स स्पेस दैट आर इनक्लोज्ड इन द क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपनिंग एंगल ब्रैकेट ऑफ टैग आर इग्नोर्ड बाई द ब्राउजर। कह रहे हैं कि आपने ब्रैकेट ओपन किया, एंगल ब्रैकेट यानी जो चोंच वाला ब्रैकेट है वो आपने ओपन किया, आपने लिखा डिव और उसके बाद आपने ये चोंच वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अच्छा लेकिन अगर आप ये करें कि जी आप ना चोंच वाला ब्रैकेट ओपन करें उसके बाद आप डिव लिखें उसके बाद आप दे दें 10 स्पेस और फिर चोंच वाला ब्रैकेट, तो इसको जो है ना तमाम ब्राउज़र इग्नोर करते हैं, इसको कोई भी इंटरसेप्ट नहीं करता, इसको तमाम ब्राउज़र जो है वो इग्नोर करते हैं। तो इस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाते हुए ना ये ना ये वाला अप्रोच बताइए कि जी ये ओपन यहाँ पे किया है और क्लोज देखो इसको नीचे यहाँ बॉडी के साथ चपका के किया, क्योंकि इस डिव के बाद यहाँ पे आप जो स्पेस देते हैं उसको ये क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अच्छा लेकिन हमारे पास इससे भी बेहतर एक सॉल्यूशन है, हमारे पास इससे भी बेहतर एक सॉल्यूशन है। अच्छा अनदर अप्रोच इज टू फॉर्मेट योर HTML कन्वेंशनली एंड लेट योर जावास्क्रिप्ट स्निफ आउट द जंक नोड्स। कैन चेक नॉट टू सी ओके। अच्छा यहाँ पे इन्होंने बोला कि यार आप एक काम और भी कर सकते हो, अपना पूरा अपना HTML एक लाइन में लिख दो, क्या ख्याल है सही रहेगा? हाँ अच्छा हम ना यही करते हैं अभी जो राइट नाउ जो अप्रोच इस्तेमाल हो रही है मार्केट में वो यही करते हैं कि HTML को एक लाइन में कर देते हैं, लिखते हैं पूरे HTML को एक लाइन में। अच्छा लेकिन इस तरह तो लिखा नहीं जा सकता, तो इसको हम कहते हैं इसके लिए दो तरीके इस्तेमाल होते हैं, एक होता है मिनीफाई। ये इसने एक URL भी दिया है कि जी यहाँ से जाके आप मिनीफाई कर दो। अच्छा लेकिन हम ये वाला भी इस्तेमाल नहीं करते मिनीफाई, हम अभी रिएक्ट का इंशाल्लाह फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो हम HTML CSS JavaScript तो ये बेसिक है, ये तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन जो ऐप्स बनती हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जो सोशल मीडिया की जो हम ऐप्स इस्तेमाल करते हैं वो आम तौर पे किसी ना किसी फ्रेमवर्क में बने हुए होते हैं। तो रिएक्ट के अंदर जब आप कोड लिखते हैं ना और उसको कंपाइल करते हैं जब आप, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, वो मिनीफिकेशन उसमें बिल्ट इन है, वो खुद ही कर देता है। अच्छा अगर आपको करना हो अलग से तो ऑनलाइन बहुत सारे मिनीफायर अवेलेबल हैं, जिसमें से ये एक विल पैवी करके इसने ये बता दिया कि जी यहाँ पे जाके ना आप मिनीफाई कर सकते हैं। अच्छा इसको ज़रा विजिट भी करके देख लेते हैं कि क्या इन्होंने बनाया है। ठीक है उसने कहा भाई HTML यहाँ पे आप लाके अपना पेस्ट करो, आ जाते हैं इसका HTML लाके पेस्ट कर देते हैं यहाँ।
ठीक है, यही वाला HTML पेस्ट करते हैं, ठीक है। नंबर इसमें से 194 ये हटा दिया मैंने, और मैंने मिनीफाई का बटन दबाया तो आप देखें इसको पूरे को इसने एक लाइन में कर दिया, ठीक है। अच्छा, मिनीफिकेशन में क्या होता है, एक्चुअली दो अप्रोच है, एक मिनीफाई एक अगलीफाई। मिनीफाई में ये होता है वो वाइट स्पेसेस वगैरह हटा के ना फाइल का साइज छोटा करने के काम आता है ये, ठीक है, मिनीफाई कि फाइल का साइज जस्ट छोटा हो जाए। HTML को मैंने मिनीफाई किया, इसने सारे वाइट स्पेसेस हटा दिए और सिंगल लाइन में कर दिया कोड को। एक होता है अगलीफाई, अगलीफाई का मतलब ये होता है कि कोड में ऐसी चेंजेस कर दी जाएँ कि कोड चले तो बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले चलता था लेकिन उसका कोड रीडेबल ना रहे, ठीक है। तो ये मिनीफाई और अगलीफाई, ये दो चीज़ होती है रिएक्ट के फ्रेमवर्क में, दोनों चीज़ें बिल्टन मौजूद हैं तो हमें इन दोनों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप अलग से चाहें HTML अगलीफाई आप लिखेंगे, ऑनलाइन भी लिख देता हूँ साथ में क्योंकि इसके लिए लाइब्रेरीज़ वगैरह भी अवेलेबल हैं तो वो पहले आ जाएंगी। कोड ब्यूटीफाई में ना ये देखें मिनीफाई करने का एक और भी यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया कोड। अच्छा, मैंने तो अगलीफाई ढूंढना था ना, मिनीफाई पर क्यों आ गया मैं, ये आ गया वेब डीपॉन्ट पता नहीं क्या है ये, मिनीफाई एंड अगलीफाई दोनों है इसमें। तो इसमें ज़रा हम करके देखते हैं क्या करता है ये। ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड टोकन दिस तो सही तो दिया है, नहीं नंबर से क्या मसला है। अच्छा चलो ये लो नंबर हटा दिया, ये इसमें वैसे ही कोई मसला है, हमारा कोड लाके पेस्ट करते हैं ना, हमने जो लिखा हुआ है इधर हमारा कोड तो सही है ना। ये मैंने वैसे ही एक दूसरी क्लास को मैं पढ़ा रहा था तो ये वो कोड खुला हुआ है, तो ये मैंने ये वाला कोड लाके पेस्ट किया, अच्छा खासा लंबा चौड़ा कोड है और इसको ज़रा हम करते हैं। इसमें भी एरर बता रहा है ये, वेल इस प्लेटफॉर्म में कोई इशू लग रहा है मुझे। इसके ज़्यादातर वैसे लाइब्रेरी लेवल पे ये चीज़ मौजूद है तो ऑनलाइन बहुत सारे इसमें कन्वर्टर मुझे नज़र नहीं आ रहे, मिनीफाई सब जगह ज़्यादा नज़र आ रहा है ऑनलाइन। हाँ ये बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल किया, दोस्त ने कहा कि यार आपने शुरू में कहा था कि आपने कोड अपना रीडेबल होना चाहिए आपका, ताकि आपका कोड लोग पढ़ सकें, और इसमें अंग्रेज़ों का एक मुहावरा भी मैंने कोट किया था कि वो कहते हैं कि चिम्प्स कैन ऑल्सो राइट कोड, तो मतलब वो कहते हैं कि ये बंदर कह रहे हैं आपको अगर आपने अच्छा कोड नहीं लिखा तो। अच्छा, सोर्स कोड आपका ब्यूटीफाइड ही रहेगा, सोर्स कोड जो है ना आपका वो सही रहे, वो ऐसा रहेगा जैसा ये है, सही है। मैं इसको उठा के इसको मिनीफाई करूँगा, इसका एक अलग वर्जन तैयार करूँगा, चेंजेस तो मैं इसी में करूँगा। वंस मैंने वो मिनीफाई कर दिया अगर और ओरिजिनल कोड मैंने गुम कर दिया तो उसमें तो फिर चेंजेस नहीं कर सकता कोई भी, उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ओरिजिनल कोड जो है मेरा, जिसको हम कहते हैं सोर्स कोड मेरा ऐसा ही रहेगा जैसा है। एक होता है बिल्ड वर्जन, ये मैं टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक तो सोर्स कोड है जो मैं लिख रहा हूँ, एक होता है बिल्ड वर्जन कि ये वाला वर्जन है प्रोडक्शन में जाएगा, प्रोडक्शन वर्जन या बिल्ड वर्जन वो एक अलग बनता है। उसको इसको उठाऊंगा मैं, मिनीफाई करूंगा, अगलीफाई करूंगा और बिल्ड के एक फोल्डर में ले जाके पेस्ट कर दूंगा, मैं कहूंगा ये कोड प्रोडक्शन का। सोर्स कोड कभी भी प्रोडक्शन में नहीं जाता है, सोर्स कोड प्रोडक्शन में जाना एक वल्नरेबिलिटी है, सही है। आपके कोड को अगर जितना इजी होगा ना आपका कोड पढ़ना, आपकी बिजनेस लॉजिक को समझना उतना आसान हो जाएगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या चल रहा है, आप कैसे क्या करते हैं, किस बटन के क्लिक पे कहाँ रिक्वेस्ट लगाते हैं आप, किस डेटा के साथ लगाते हैं, इन चीज़ों को समझना जितना आसान होगा उतना ज़्यादा मसला है आपके लिए, ठीक है। तो सोर्स कोड आपका हमेशा यही रहेगा जैसा है, जो एक लाइन वाला है मिनीफाइड अगलीफाइड वो सिर्फ बिल्ड वर्जन होगा, ठीक है। रिएक्ट में भी ऐसा ही है, रिएक्ट में जब हम कंपाइल करते हैं तो सोर्स कोड मेरा अपनी जगह रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक नया फोल्डर बनता है उसका नाम होता है बिल्ड, और उसके अंदर यही फाइलें सारी वो उधर जाके बन जाती हैं,
अच्छा, और वो क्या करता है, आपकी 6, 7, 10 जितनी भी फाइलें हैं ना, सबको वो सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। ये भी एक अच्छा काम करता है वो, इसको हम कहते हैं ये वेब पैक करके एक चीज़ है, वो करता है ये काम। वेल, अभी उसकी डिटेल में जाना मुनासिब नहीं है। तो इसने कहा भाई आप ना एक लाइन में कर दो, ना रहेगा वाइट स्पेस ना वो मसला आपको आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मसला ख़त्म हो गया। अब इसने कुछ और भी सॉल्यूशंस बताए, लेकिन वो हम सारे फ्रेमवर्क में एंगुलर और अभी जो रिएक्ट और Vue.js, ये तीन फेमस फ्रेमवर्क्स हैं, तीनों में ये तरीका अख्तियार किया जाता है। नहीं किया जाता, अलग से लाइब्रेरीज मौजूद है, ख़ुद कर लोगे आप। सही है, तो ये प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 62 हमारे पास अब अवेलेबल है यहाँ, मोर वेज टू टारगेट एलिमेंट। सो फार यू हैव लर्न डॉम पेरेंट चाइल्ड हायरार्की टू टारगेट चाइल्ड नॉड। पेरेंट चाइल्ड वाला हमने चक्कर सीख लिया कि जी वो पेरेंट नॉड और चाइल्ड नॉड ऐसे करके मुझे मिल जाता है। अच्छा, बाई स्पेसिफाइंग ऑर्डर, चाइल्ड गेट करते हुए मैं ऑर्डर बताता हूँ, पहला दूसरा तीसरा। बट देयर आर अदर वेज टू यूज द हायरार्की फॉर टारगेटिंग। To begin with, instead of writing child not zero, you can write first child. And instead of writing, for example, child not 9, मिसाल के तौर पर 9 मेरे पास थे तो मैं लिखूँगा ना child not 9 या 8, कि भाई मुझे पता है कि अच्छा जी 9 ही है इसके अंदर या 8 ही है इसके अंदर। To target the 10th child in a 10th collection, इन चैन चाइल्ड, पता नहीं क्या लिखा है इसने, यू कैन राइट लास्ट चाइल्ड। ठीक है जी, तो फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड ये दोनों मुझे मिल जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे मुझे नहीं पता कि कितने हैं, 200 चाइल्ड आ गए, मैंने डेटाबेस से उन तमाम स्टूडेंट की लिस्ट मंगवाई जिनके स्कोर 70 अबव था, उसने मुझे 400 स्टूडेंट की लिस्ट दे दी। अब मुझे जो सबसे लास्ट वाला बंदा है ना उसको राइड करना है, तो एक तो तरीका ये है कि मैं सारे चाइल्ड उठाऊँ, लूप चला के आखिर तक जाऊँ कि जी आखिरी कहाँ पर ख़त्म हो रहा है और वहाँ पर जाके करूँ। ठीक है, अब ये भी पता लगाने का तरीका, लॉजिक थोड़ी लंबी चौड़ी हो जाती है कि जी वो लूप ख़त्म कहाँ हुआ जाके, उसके लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, वो लूप घूमेगा जब तो मैं उसको देखूंगा, या फिर मैं ये करूंगा कि जो मुझे चिल्ड्रन की का जो एरे मिला है उसका मैं लेंथ देखूंगा, लेंथ माइनस वन करूंगा, तो आखिरी चाइल्ड तक जाने के तरीके और भी मौजूद हैं। लेकिन डॉट लास्ट चाइल्ड कर दूंगा मैं, सीधे तरीके से मुझे आखिरी चाइल्ड मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये आखिरी चाइल्ड मुझे मिल गया, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि लास्ट के 3 चाइल्ड का मैं कलर चेंज कर दूँ। अब लास्ट वाला तो मिल गया, उससे पहले वाला कैसे मिलेगा, उससे पहले वाला कैसे मिलेगा, वो इसी पर डॉट लगा के मिलेगा। हर नॉड पे, अभी आप रूल ऑफ थंब समझ लें, हर नॉड पे डॉट लगा के उसका पेरेंट मिल सकता है, हर नॉड पे डॉट लगा के उसके तमाम चाइल्ड मिल सकते हैं, और हर नॉड पे डॉट लगा के उसके सिबलिंग भी मिल सकते हैं। अभी वो बताएगा कि सिबलिंग का मतलब उसके साथ वाले जो हैं। मिसाल के तौर पर लास्ट चाइल्ड तो मिल गया, लेकिन लास्ट चाइल्ड के साथ मजीद कितने सिबलिंग थे वो सारे मुझे एक एक करके यहाँ पे मिल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये कंपैरिजन कर रहा है कि जी आप अगर लिखोगे ना चाइल्ड नॉट ज़ीरो तो उसके इक्वल हो जाएगा फर्स्ट चाइल्ड, एक ही बात है। और अगर आप लिखोगे कि जो है ना, अगर 3 ही चाइल्ड हैं आपके पास, आपको पता है कि 3 चाइल्ड हैं, तो इंडेक्स नंबर 2 का मतलब 0, 1, 2 तीसरा चाइल्ड, कह रहा है लास्ट चाइल्ड उसके इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यार कि मेरे पास 2 ही चाइल्ड हैं। आपको पता नहीं हो, लास्ट लिखो, ऑटोमेटिकली जो लास्ट होगा वही उठ कर आएगा। अभी उन्होंने ब्रेक डाउन किया है इसका, अब कह रहा है कि जी पेरेंट नॉड उठाने के लिए आप लिखोगे पेरेंट नॉड। ठीक है, किसी भी चाइल्ड, किसी भी एलिमेंट पे आप लिखोगे पेरेंट नॉड, उसका जो भी पेरेंट होगा वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा सिबलिंग उठाने के लिए आप लिखोगे नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग। सही है, मिसाल के तौर पे आपने लास्ट चाइल्ड तो उठा लिया, 400 स्टूडेंट की लिस्ट आई थी, 400 स्टूडेंट की लिस्ट का आपने कहा लास्ट चाइल्ड तो सबसे आखिरी वाला मिल गया, आपने उसका कलर कर दिया रेड। नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग भी उसका आपको मिलेगा, आपने कहा प्रीवियस सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग, 3 दफ़ा आपने बोला, वो 3 आपको देगा उठा उठा के अपने पड़ोस वाला। ठीक है, ठीक है, बस नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग पे ये चैप्टर इन्होंने ख़त्म कर दिया है यहाँ पर। ठीक है जी, समझ आ रहा है। तो कुल मिला के जो अभी तक हमने चैप्टर पढ़े हैं उससे क्या हमें पता चला कि किसी भी नॉड पे खड़े होके किसी भी नॉड तक जाया
जा सकता है, ठीक है। इसको मैं जरा ट्री ट्री से जो है ना, अब ये जो है ना काइंड ऑफ एक ट्री स्ट्रक्चर एक बनाया हुआ है उन्होंने, ठीक है। अब ये लेबलिंग इस पे जो हुई हुई उसको छोड़ दें कि वो क्या लेबलिंग हुई हुई है वो, लेकिन इसमें हमने हमारे देखने की चीज़ क्या है कि हमारे पास अगर मैं एन पे खड़ा हुआ हूँ, ये जो एन है, अगर मैं इस पे खड़ा हुआ हूँ तो मैं इस एन से उठ के कहाँ जा सकता हूँ? मैं एन से उठ के आई पे आ सकता हूँ, सही है, यानी कि पेरेंट नोड। एन से उठ के मैं इसके सिबलिंग पे जा सकता हूँ, यानी कि इस वाले पे, है ना, बस ये दो ही जगह जा सकता हूँ मैं। अच्छा, अब मुझे ये मिसाल के तौर पर पेरेंट मिल गया, मुझे आई मिल गया पेरेंट, अब इस पेरेंट पे डॉट लगा के मैं कहाँ जा सकता हूँ? इसके मजीद पेरेंट पे या इसके सिबलिंग पे जा सकता हूँ ना, ये दोनों मौजूद हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये पेरेंट पे मैंने डॉट लगा के सिबलिंग पे चला गया, एच पे चला गया मैं, अब इस एच पे से मैं कहाँ जा सकता हूँ? दोबारा सिबलिंग पे जा सकता हूँ या पेरेंट पे या नीचे दोनों चाइल्ड पे भी जा सकता हूँ, है ना, सिबलिंग बराबर वाला है ना। ये जो आई है इसका सिबलिंग ये है, नहीं जे इसका सिबलिंग नहीं है, जे इसका सिबलिंग कैसे है? ये पेरेंट ये रहा इसका, सॉरी, बल्कि ये एच भी इसका सिबलिंग नहीं है, एच कहाँ से, यह तो दूसरा पेरेंट है। एम और एन आपस में सिबलिंग है, ये आई और एच सिबलिंग नहीं है, ये मैं बाई मिस्टेक कह रहा था, और आई और जे भी सिबलिंग नहीं है, वो दूसरा पेरेंट के बच्चे हैं वो। अच्छा, तो मैं इसका मतलब है इस आई से मैं कहाँ जा सकता हूँ? ये इधर नहीं आ सकता, मैं इधर नहीं आ सकता, इससे मैं या तो चाइल्ड में आ सकता हूँ इसके वापस, या तो इसके पेरेंट में जा सकता हूँ। सिबलिंग कोई है ही नहीं, सिबलिंग में जा ही नहीं सकता, सिबलिंग कोई होता तो वहाँ चला जाता, तो मैं पेरेंट पे चला गया, पेरेंट पे जाके अब यहाँ से सिबलिंग और पेरेंट, तो मैं इस सिबलिंग पे चला गया या मैं इस पेरेंट पे चला गया, फिर यहाँ से खड़ा होकर मैं वापस पेरेंट पे चला गया, फिर इस पेरेंट से मैं इसके फर्स्ट चाइल्ड पे आ गया, फर्स्ट चाइल्ड से सेकंड चाइल्ड पे आ गया, इसके सेकंड चाइल्ड से इसके सिबलिंग पे चला गया, वापस इसके सिबलिंग पे आ गया, यहाँ से इसके फर्स्ट चाइल्ड पे चला गया, यहाँ से इसके सेकंड चाइल्ड पे चला गया, सेकंड चाइल्ड से इसके सिबलिंग पे आ गया, समझ रहे हो? तो इस ये डॉम का जो पूरा मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, मैं किसी भी एक नॉड पे जब खड़ा हुआ अगर मैं, तो इन थ्योरी मैं उस नॉड से कहीं भी जा सकता हूँ। हाँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि ये मौजूद है भी या नहीं है, या तो मैं इफ एल्स लगाऊँ कि जी इसका पेरेंट है नहीं है, इसका ये है नहीं है, ठीक है। तो मैं टेक्निकली या थ्योरेटिकली मैं किसी भी नॉड पे जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, ये पॉसिबल है, ठीक है। प्रैक्टिकली ये कितना पॉसिबल होगा जब प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि ये नॉड सारे डायनेमिक होते हैं, फिक्स तो नहीं होते, फिक्स नहीं होते, डायनेमिक होते हैं ये, कि जी कोई लिस्ट अपेयर हो रही है, कोई नोटिफिकेशन आता है तो एक नॉड खुलता है, फिर वो गायब भी हो जाता है ना, तो वो इसी में बीच में कहीं आता है और फिर गायब हो जाता है, तो वो नॉड आते और जाते भी रहते हैं, ठीक है। तो नॉड फिक्स नहीं होते सारे, आम तौर पे वेबसाइट हमारी डायनेमिकली वो चेंज हो रही होती है, कि जी आप वो कुछ लिखते हैं पोस्ट और पोस्ट का बटन दबाते हैं फेसबुक पे, तो नीचे एक विजिट नई बनी हुई आती है और वहाँ पे आपकी अभी ताज़ा तरीन पोस्ट आपको नज़र आ जाती है, फिर इसी तरीके से आप पेज को रिफ़्रेश करते हैं जब, या अब तो बगैर रिफ़्रेश किए भी वो नई पोस्ट अपेयर हो जाती है, कि जी वो नई पोस्ट आ गई सामने बंदे की, फिर वो लाइक जो है वो रियल टाइम में बढ़ रहा होता है, तो वो एक्चुअली वो डॉम मैनिपुलेट हो रहा होता है, डॉम में वो चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है। तो नॉड चेंज हो रहे होते हैं, नॉड आ रहे और जा रहे भी होते हैं डॉम के अंदर, लेकिन हमें ये बात क्या पता चल गई कि नॉड के किसी पूरे डॉम के किसी भी नॉड पे अगर आप मौजूद हैं तो उससे आप पूरे डॉम पे चक्कर मार सकते हैं, आपके लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जी आप वहाँ जा नहीं सकते, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि आज की क्लास को हम जो है यहीं तक रखते हैं, मुझे आपकी शक्लों से लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया आज तो, और तो हम जो है ना यहीं तक रखते हैं, चैप्टर 63 को इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपनी। सर हैदर के स्टूडेंट को जो मैंने असाइनमेंट दिया है वो नोट कर लिया है उन्होंने, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो फिर मुझे वीडियो का लिंक भेजेंगे ग्रुप में। जी सवाल है आपका, पूछें। हाँ अच्छा, ये इनका जो दोस्त का सवाल है वो इससे रिलेटेड है। तुम्हारा जो सवाल है वो इससे रिलेटेड है कि जब सर जब आप ये एन पे खड़े हुए थे तो आप जो ये आई पे गए फिर आई से ई पे गए, ये हुआ कैसे कोड में, ये सवाल है ना तुम्हारा।
अच्छा देखो, मैंने इसका मुझे मिसाल के तौर पे आईडी पता थी, समहाउ इसकी मुझे आईडी पता थी, ठीक है। या अगर चलो यहाँ से नहीं शुरू करते हम, रूट से डॉक्यूमेंट से शुरू कर लेते हैं, उसकी तो आईडी भी पता होना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, अब मैंने इस पे लगाया डॉट फर्स्ट चाइल्ड, मैं यहाँ पहुँच गया। मैं वही बता रहा हूँ। देखो, अब डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड मैंने लगाया तो मुझे ये मिल गया। अब मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं इतने पार्ट को मैं बोलूँ कि लेट ए के नाम से एक वेरिएबल है कि लेट ए इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड, तो वो ए में उठ के आ जाएगा। फिर मैं मज़ीद ए पे डॉट लगा लूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट फर्स्ट चाइल्ड, तो ऐसे करके भी मैं आगे जा सकता हूँ। और मैं पूरे को फिर मैं एक वेरिएबल में डालूँ, या वेरिएबल में ना भी डालूँ, लास्ट में जाके डॉट इनर एचटीएमएल चेंज मारूँ, दैट्स इट, वेरिएबल आएगा ही नहीं कहीं बीच में, ठीक है। तो दोनों तरीके मौजूद हैं। अगर मुझे लग रहा है कि जी नहीं वेरिएबल मुझे बनाना चाहिए तो मैं बनाऊँगा, मुझे लगता है नहीं जी वेरिएबल नहीं बनाना चाहिए तो मैं नहीं बनाऊँगा, ठीक है। वेरिएबल आमतौर पर कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, अब ये भी एक बात है। वेरिएबल आमतौर पर वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि जी आपने ना एक एलिमेंट को टारगेट करके उठा लिया, अब उस पर आपने मल्टीपल चीज़ करवानी है। मिसाल के तौर पे आपने कहा भी जी डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट फर्स्ट चाइल्ड, तो ये डी पे पहुंच गया मैं। अभी इस डी के ऊपर मुझे 6 ऑपरेशन करवाने हैं, ठीक है। अब मैं हर दफ़ा मैं ये नहीं लिखूंगा कि जी डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट स्टाइल डॉट फला 0, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट कलर डॉट फला या बॉर्डर डॉट फला। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक वेरिएबल में रखवा लूँगा, ठीक है, और मैं कहूँगा उस वेरिएबल पर डॉट लगा के मैं वो 6 के 6 ऑपरेशन करवाऊँगा इसके ऊपर। तो वेरिएबल बनाने की मुझे ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी वो भी मैंने आपको समझा दिया। अगर सिर्फ एक ही ऑपरेशन करना है, मुझे वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है फिर। चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली क्लास में। नमाज़ पढ़ने चले जाएँ आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।